परमात्मा दी नेड़ता प्राप्त करन दे लई बाहरी जप तप वैराग दी जरूरत नहीं। ओ तां हिरदे अंदर स्पष्ट तौर ते बैठे है अते असी हर पल उस दे छून दा अनुभव करदे प्रसन्न हुंदे रहिंदे हां। रविंद्रनाथ टैगोर। पुस्तक दा नां रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर दा जन्म सन 1861 विच कलकत्ते दे प्रसिद्ध ठाकुर वंश विच होया सी। परिवारक वातावरण दे कारण ओह अंतरमुखी हो गए सन, इसलिए उन्हां दा मन कल्पना जगत विच ज्यादा विचरदा रहिंदा सी अते ओह कवितावां दी रचना करन लगे। उन्हां दी सब रचनावां इसी उद्देश्य तों लिखियां गईयां सन कि उन्हां तों मनुख दा मानसिक स्तर उच्चा होवे अते नीच प्रवृत्तियां नूं त्याग के समाज दे उपयोगी सदस्य बन सकन। उन्हां ने अपनी रचनावां दे राही वेद उपनिषद अते अध्यात्म दे ज्ञान नूं ना केवल देश विच बल्कि विश्व दे अनेकां देशां विच जिवें इंग्लैंड, यूरोप, अमेरिका, चीन, जापान, ईरान, जर्मनी तक पहुँचाया। उन्हां नूं अपनी देश अते अपने देश दे पहरावे तों बहुत माण सी, इस लई विदेशां विच रह के भी भारती पहरावे दा त्याग नहीं कीता। पेश है एक छोटी पुस्तक जो अपनी श्रेष्ठ रचना गीतांजलि लई नोबल अवार्ड विजेता महाकवि रविंद्रनाथ टैगोर दा जीवन दर्शन कराउंदी है, जिन्हां ने अपनी रचनावां राही संसार विच भारतीय संस्कृति दा मान वधाया। पुस्तक दे सदवाक। स्वदेशी दा अर्थ है जीवन नूं सरल अते अडंबर रहित बनाउणा। साहित्य दा प्रथम उद्देश लोक कल्याण है। जेकर भगवान ने सानू योग्यता अते शक्ति दित्ती है तां उस दा लाभ कमजोरां अते दूजे मनुखां दी उन्नति लई कीता जाणा चाहीदा है। धनवान अते राजां नूं अपने देश विच ही पूजिया जांदा है, पर विद्वानां दी हर थां पूजा हुंदी है। मृत्यु मनुख नूं खाली जिंदगी तों हराउंदी है अते इस नूं इक होर भरी पूरी जीवन विच प्रवेश करदी है। पुस्तक दे मुख बिंदु। साहित्यिक ऋषि, जन्म अते बाल अवस्था, विलायत यात्रा अते सिख्या, स्वदेशी समाज दी स्थापना, विदेश यात्रा अते भारतीय संस्कृति दा प्रचार।